आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जॉयसी और हमारा आज का वचन है मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊंघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीनता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें
एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।